एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम सीरीज, जैसे मैंने आपको पता चला रखी है, तो न्यूमेरिकल की फर्स्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूं। अब तक हमने फार्मूले किए हैं पीएच के, जिन बच्चों ने भी तो नई वीडियो देखी है मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ फटाफट में। तो पीएच का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट आपको बताना चाहिए, जो हम लाएंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव है, और कई बुक्स में इस तरह लिखा होता है, दोनों ही सही है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जो पीओएच होता है वो हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव। फिर आपको जो रूल याद रखने हैं कि पीएच प्लस पीओएच ये क्या होता है 14। आज की वीडियो में बस मैं इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं, मगर जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम पीके पीकेबी उसके ऊपर मैं डिटेल में आपको वीडियोस दे चुका हूं, उनको आप जरूर देखें और फिर आप ये सीखेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी सिखाने वाला हूं कि कैलकुलेशन करते वक्त मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करें वो भी आप साथ के साथ सीखेंगे। एंड तक मेरे साथ बने रहें, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है और आपको ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे इन न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं। हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब कैसे याद करेंगे, तो लोग 5 तक की वैल्यू तो आपको क्रैम करनी पड़ती है। लोग 1 की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, 0, और लोग 2 की वैल्यू 0.3010, और लोग 3 की वैल्यू 0.4771, और लोग 4 की वैल्यू 0.6021। अगर हमको थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.48, 0.60, 0.30, यानी 2 डिजिट में याद करना चाहेंगे फास्ट कैलकुलेशन के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी बात करें 0.6990, और ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है 0.7, और 6 आ गया 0. अब क्या होगा, मुझे 6 की वैल्यू मान लो याद नहीं, मैंने भी आपको कहा कि आपको मेमोराइज यहां तक करना है। अब 6 आ गया तो 6 क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें तो लॉग 2 × 3, और ये हमारा हो जाता है लॉग 2 + log 3। तो 2, 3 की वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो आपकी जो 6 की वैल्यू स्टूडेंट आएगी वो आ जाएगी 0.7781। तो ये आपकी क्या आ गई वैल्यू, अभी आपने 2 और 3 की वैल्यू को ऐड करें। राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो आप 0.78 डिस्कस कर याद कर सकते हैं। इसी तरह लोग 7 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 0.8451, और अप्रोक्सीमेशन में हम 0.85 ले लेते हैं लोग 8 की। अब लोग 8 की कैसे याद करें, हमें पता है लोग 2³, यानी क्यूब करते हो 3 log 2, यानी 3 × 0.3010, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.030। ये हमारे पास लोग 8 की वैल्यू आ गई। लोग 9 की बात करें तो लोग 3 का स्क्वेयर यानी 2 × 0.4771, लोग 3 की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये क्या हो जाएगा 0.2459, तो ये हमारे पास 0.9542 आ गया। और लोग 10 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1.00, और लोग 10 की पावर n क्या हो जाता है n, सपोज करिए आपको न्यूमेरिकल में आ रहा लोग 10⁻⁵, तो आपका आंसर -5 आएगा, और लोग 10⁻+5 आ रहा तो आपका आंसर +5 आएगा। तो इन टेक्निक्स की डायरेक्ट फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे मैं इसकी एप्लीकेशन भी आपको सिखाने वाला हूँ। इसी तरह न्यूमेरिकल के टाइम में इनकी जरूरत पड़ती है कई बार √2, ये आपको याद रहनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। तो √2 की वैल्यू आप सबको ही पता है क्या होता है 1.414। लोग 3 की बात करें तो 1.732, तो यानी अगर 2-2 डिजिट भी अगर आप याद कर सकते हैं तो सफिशियंट। लोग 4 की वैल्यू आपको पता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा लोग 2। अब लोग 5 की बात करें तो क्या होगा 2.23 जब याद करेंगे, और लोग 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.34। मैंने थोड़ा सा अपनी टेक्निक लगा रखी 2.23, अगला 3.4। अब लोग 7 की वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा 2. क्योंकि देखो लोग 9 की वैल्यू 3 आएगी, यानी 3 से तो क्या रहेंगी वैल्यू कम ही रहेंगे। अब लोग 7 की बात करें तो लोग 2. हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 5, 6, और लोग 8 की बात करें तो लोग 2, 8 क्या हो जाएगा 2√2। 2√2 का मतलब 2 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2.8
टू एट, और अंडर रूट नाइन का मतलब क्या हो गया, थ्री का स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा हमारा थ्री। तो इस तरह बड़े आराम से वैल्यूज याद रख सकते हैं, और अंडर रूट टेन की क्या हो जाएगी 3.12। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो बड़े आराम से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो राउंड फिगर में आप डाटा याद कर लीजिए जिसको बार बार आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके इन न्यूमेरिकल को क्विक में जल्दी में क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर बेटा हम बोर्ड पे देखें, ध्यान से देखिए क्या दिया है। सबसे पहला न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमने कहा है कंसंट्रेशन दे रखी है आपको एच पॉजिटिव आयन की सॉफ्ट ड्रिंक में, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉफ्ट ड्रिंक में देखिए 3.8 इंटू 10^-3 मोलर, और कह रहे हैं कि इसकी पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो पीएच क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस लॉग 3.8 इंटू 10^-3, लॉग ए इंटू बी आपको भी पता ही है फॉर्मूला, लॉग ए प्लस बी। तो लॉग 3.8 माइनस लॉग 10^-3, अभी आपको मैंने समझाया है। अब मुझे लॉग 3.8 देखना है, अब 3.8 तो नहीं पता, मगर लॉग 4 की वैल्यू मुझे पता है, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6021। तो हम क्या करेंगे, 3.8 है, इससे थोड़ी सी वैल्यू क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो हम अप्रोक्सीमेशन में, अगर मेरे पास लॉग टेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले लेता हूं 0.60, तो मैं अप्रोक्सीमेट 0.6 ही ले लेता हूं, 0.6, और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो आप 38 का 0 में देखेंगे, और 0. जो भी वैल्यू आ रही है वो आप मेंशन लॉग टेबल में कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लॉग टेबल और एंटी लॉग देखना नहीं आता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने आपको सिखाया हाउ टू यूज लॉग टेबल, मगर कॉम्पिटिशन्स में लॉग टेबल अलाउ नहीं होते। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन में क्या आ गया, आंसर आ गया 2.4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है स्टूडेंट ध्यान से, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें करने जा रहे हैं हम। अब आपको दे दिया 10^-1 मोलर HCl, अगर HCl को ब्रेक करोगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, एच पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जितनी HCl, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो जितने यानी एसिड की कंसेंट्रेशन होगी वही एच पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया 10^-1, तो पीएच क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि नेगेटिव लॉग लिथम ऑफ 10^-1 क्या आ जाएगा 1, तो पीएच आपका 1 आ गया, क्विक आपने सोल्व कर लिया। अब अगर यही यहां सॉरी न्यूमेरिकल में 10^-2 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगली बात करें 10^-3 मोलर H2SO4, कई बच्चे यहां पे बड़ी गलती करते हैं, जल्दीबाजी में क्या करेंगे सर 10^-3 ये pH3 आएगा, मगर इसका pH3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है कोई एसिड, यानी उसकी क्या है बेसिसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है पीएच की वैल्यू। एक्चुअल में एच पॉजिटिव आयन कितने हैं, तो 2 दे रहा है, इसकी कंसेंट्रेशन 10^-3 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 × 10^-3, यानी अगर मुझे पीएच निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10^-3 ये निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव लॉग 2 + 3। अब 2 की वैल्यू मैंने अभी आपको याद करी है 0.3010 + 3, तो ये आ जाएगा आपके ऊपर 2.6990। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट पेपर में कि हमने कैसे सोल्व करना है, तो ये नहीं कि देखा भी HCl है तो अगर HCl है बेसिसिटी 1 ही है अगर, तो जो दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप pH निकाल सकते हैं, और अगर बेसिसिटी 2 है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई है, कोई अगर बेसिसिटी 3 होता H3PO4 आ जाता तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगला थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका सिंपल पार्ट ले लिया, थोड़ा सा वैसे ही ले लिया। अब अगला क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेम वही कॉन्सेप्ट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH नेगेटिव आयन देगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 2। अब इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दी है 3 × 10^-5, देखिए मैंने क्या किया, इस डेसिमल को यहां पे लिखा, 2 डिजिट ले गया तो वहां पे 10^ क्या हो जाएगा
माइनस फाइव, तो उसको सिंप्लीफाई करिए कैलकुलेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब क्या करें, बस आपको पता है पहले हम पीओएच निकाल लेते हैं, तो पीओएच क्या आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। मेरे हिसाब से आप इसे बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग 6 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट। अब 6 की वैल्यू कितनी होती है अभी आपको मैंने सिखाई थी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.3010 और 0.4771, तो 0.7781 इसकी वैल्यू होती है, तो इसको हम अगर घटाएंगे, इसमें से घटाना है इसको, हमने 0.7781 को हमने 1.00 से घटाया तो क्या आ गया 0.9122, तो ये 0.2219 पीओएच की वैल्यू आ गई। मगर मुझे पीएच कैलकुलेट करना है, ध्यान दें, अगर मुझे पीएच कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसको 14 में से घटा देंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पीएच प्लस पीओएच का सम क्या होता है 14, तो 14 में से घटा दोगे आपके पास क्या आ जाएगी पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगला जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी टेक्निक आपको सीखनी बहुत ही जरूरी है, कॉम्पिटिशन में जरूरी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या करेंगे पीएच दे देंगे, जैसे पीएच दे दिया, क्या दे दिया 4.3। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, टेक्निक सीख लीजिए, फिर ये सारे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएंगे, मगर टेक्निक सीखिए। पीएच इज इक्वल टू 4। अब पीएच हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन, तो ये क्या हो गया 4.3। हमें क्या करना है, पीएच दे दिया एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालिए, इन न्यूमेरिकल में क्या था एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दे रखी थी, पीएच निकालना है, चलिए 4.3 हो गया। अब क्या करूं इसे मैं लोग बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप में सिखा रहा हूं, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको जल्दी में भी कर लेंगे, पहले भी मैं स्टेप सिखा रहा हूं, तो ये माइनस उधर चले गए। अब इसी को अगर मुझे एच पॉजिटिव को निकालना है, मैंने आपको बताया था लोग है, तो ये एंटी हो जाएगा, एंटी एंटी में क्या करते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव में डाटा है, लोग टेबल में ऐसे मैंने सिखा रखा है टेक्निक, मगर यहां सीखनी जरूरी है, तो अगर माइनस में डाटा अगर स्टूडेंट गिवन है, ध्यान देना -4 है तो हो जाएगा 5 बार, एक वैल्यू बढ़ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो 11 बार, यहाँ 0 होता तो आप क्या चल देते 1 बार, यानी डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है उसमें एक हम बढ़ा देते हैं, उसे बार में कन्वर्ट कर देते हैं 5 बार, और जो वैल्यू राइट हैंड साइड में पड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट है 3, यानी जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको एक में से घटा देंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे और इसको एक में से घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.7। अब ध्यान से देखिए टेक्निक क्या बेटा, मुझे आंसर निकालना है स्केच को, तो ये एच पॉजिटिव आयन का अगर बिल्कुल शॉर्टकट होगा तो मुझे लगता है कि ऑप्शन में एक ही वैल्यू में 10^-5 है तो उसी को टिक कर दो, मगर अगर दो है तो देखना पड़ेगा यार इसका क्या करें। अब देखिए जो वैल्यू यहां आ रही है वो 10^ हो जाएगा, यानी 5 बार है तो क्या हो गया 10^-5, 6 बार होता है 10^-6, 7 बार होता है 10^-7, और जो चीज राइट हैंड साइड में पड़ी है अब वो देखो किसका लॉग होता है 0.7, मैंने भी आपको लॉग किसका बताया, तो आपने सर लॉग 5 की वैल्यू आपने राउंड अप में बताई थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 × 10^-5। अब मैं जो ये टेक्निक मैंने बिल्कुल धीरे धीरे सिखाई है, अगले में देखिए मैं उसे फास्ट करने जा रहा हूं और आप कैसे करेंगे वो चीज आप सीखें। अब यहां पर मैंने किया, अगर मान लो आपको क्विक कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे, जैसे मुझे करना है तो पीएच इक्वल टू 3.155 है मेरे पास, क्लियर स्टूडेंट। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, अब ये 3 है तो ये हो जाएगा 4 बार, यानी 10^-4 तो आएगा, यानी -3 जाएगा बाद में, जो टेक्निक सिखाई मैंने यहाँ पे हो गया 10^-4, यहाँ पे जो भी वैल्यू उसमें बढ़ा के 10^-1 में कर दो, यानी 3 है तो 10^-4, 5 है तो 10^-6, तो ये कर दिया। अब खुद सोचिए स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करेंगे एक में से घटा देंगे, अब इसको एक में से घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, 4 और यहाँ पे 8, और अगर आपको स्टूडेंट ध्यान हो 0.8451 मैंने किसकी वैल्यू लिखी थी लॉग 7 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो आपकी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 7 × 10^-2। तो थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं कहता हूं विद इन 1 मिनट या 1 मिनट से पहले आप कैलकुलेट कर लेना। अगले में OH पर 4 करते हैं सेम टेक्निक से, क्योंकि फटाफट OH नेगेटिव आयन। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की
कंसेंट्रेशन निकालनी है, OH, मगर गिवन क्या है पीएच, पीएच कितना गिवन है 10.4771, तो पीओएच क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14, तो पीओएच क्या हो जाएगा 14 माइनस 10.4771, और ये हमारा आ जाएगा 3.9225। तो ये मेरे पास पीओएच की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की बात करता हूं स्टूडेंट, तो सेम वही टेक्निक जैसे हमने एच पॉजिटिव आयन निकाली थी, तो यहां पे 3 है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, और इस वाली वैल्यू को हमने एक में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4771। और मुझे फटाफट बता दीजिए 0.4771 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये तो लॉग 3 की वैल्यू है, तो आपका आंसर हो गया 3 × 10 की पावर माइनस 4। तो जो वैल्यू डेसिमल के बाद पड़ी है वो देख लीजिए लॉग में किसके आसपास है, वो आप यहां पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक आपको काफी पसंद आई होगी, और इससे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। अगले लेवल में मैं इससे लेवल को हार्ड करता जाऊंगा धीरे धीरे, और एंड तक जाते जाते मैं कहता हूं आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल की किसी भी कॉम्पिटिशन सीबीएसई या कहीं का भी क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें।